आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GD650 की EMI एंड डाउन पेमेंट के बारे में। कितनी आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर देना होगा, कितना सिबिल स्कोर होना चाहिए, कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इस बाइक को ले आ सकते हो। सो पूरी हर एक चीज़ आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं Thought98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। बिल्कुल ब्रांड न्यू वेरिएंट है, 2024 लेटेस्ट वर्जन है, बिल्कुल ऑल न्यू वेरिएंट आया है ये रॉयल एनफील्ड GD650 का। और जो वेरिएंट है इसे हम कहते हैं मिस्टर क्लीन। कुछ इस प्रकार से जो है कलर देखने को मिलता है, ये प्रॉपर आपको जो है मिरर फिनिश के अंदर बाइक देखने को मिलती है। साथ में ये सबसे प्रीमियम मतलब ये टॉप मॉडल है GT650 के अंदर अगर मैं बात करूं। साथ में इसका प्राइस आता है 4,30,000 रुपए, जो मैंने आपको बताया। इस बाइक को खरीदने के लिए जो आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए लगभग 20,000 रुपए के आसपास होनी चाहिए, 15-20,000 रुपए। एंड साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में, तो आप 40,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके इस बाइक को ले आ सकते हो। लिटरली सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए की डाउन पेमेंट करो और ये बाइक आप ले आ सकते हो। एंड यहाँ पर अगर मैं सिबिल स्कोर के बारे में बात करूँ, तो एटलीस्ट आपका 750 से ऊपर जो है सिबिल स्कोर होना चाहिए इस बाइक को ईजिली खरीदने के लिए। एंड 750 अगर आपका सिबिल स्कोर है, तो आप इस बाइक को बहुत ही आराम से खरीद सकते हो। और एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ईजिली बाइक खरीदने की लोन के ऊपर। अगर आपका खुद का घर है, जिस घर में आप रहते हो वो आपका खुद का खरीदा हुआ है, लाइक आपके फैमिली में लाइक पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, तो आपको जो बाइक है फाइनेंस कराना बड़ा ही आसान हो जाता है। अब यहाँ पर जो है आपको एक बार बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनाया था, सो भी बाइक न्यूट्रल में है। लेट्स स्टार्ट द बाइक एंड क्रैंक द मोटर। पेट्रोल भी काफी डिसेंट भरा हुआ है बाइक के अंदर। कुछ इस प्रकार से एग्जॉस्ट नोट आता है। पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन का खास बात ये होती है कि इसका आपको सिंफनी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, बिकॉज डुअल एग्जॉस्ट सेटअप रहता है, तो एग्जॉस्ट नोट भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है स्पोक व्हील्स बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ में जो है यहाँ पर ट्यूब टायर आते हैं। जो भी स्पोक व्हील वाले वेरिएंट होता है उसमें हमेशा ट्यूब वाले टायर आते हैं। 100/90 सेक्शन का जो है टायर आता है। एंड जो ये व्हील आपको देखने को मिलता है 18 इंच का देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर मैं डिस्क ब्रेक के बारे में बात करूँ, तो 320 mm डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलता है। साथ में वाइब्री कैलिपर के साथ डुअल चैनल डिस्क ब्रेक सिस्टम आती है। टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम आता है रिफ्लेक्टर्स के साथ। यहाँ पर जो है आपको रबर की कवरिंग देखने को मिलती है, इस वजह से जो है ज़्यादा यहाँ पर डर्ट वगैरह फंसती नहीं है इस सस्पेंशन सेटअप के अंदर। कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर आता है, बल्ब इंडिकेटर्स आते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है, फ्यूल कैप आप जो है यहाँ से खोल सकते हैं। साथ में डुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। ये डिस्प्ले के अंदर आप इस छोटे से बटन से आप नेविगेट कर सकते हो, लाइक ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर। ये फ्यूल गेज आता है, दिस इज द स्पीडोमीटर एंड दिस इज द RPM मीटर। यहाँ पर आपको ABS की लाइट देखने को मिलती है, इंजन मैन फंक्शन इंडिकेटर्स, बैटरी न्यूट्रल हाई बीम, यहाँ पर हर एक तरीके की आपको प्रॉपर लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। काफ़ी क्यूट सा रेट्रो स्टाइल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा हाई बीम, मूविंग पास इंडिकेटर, हॉर्न। एंड यहाँ पर जो है आपको इसके अंदर USB टाइप ए चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी ये जो केसिंग है ये पूरी मेटल की आती है, प्लास्टिक की नहीं आती है। यहाँ पर राइट साइड में आपको किल स्विच, इग्निशन स्विच और हैजार्ड लाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार एक बहुत बड़ा USP है। 648cc का इंजन आता है एंड लिटरली जो बाइक की पावर आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। यहाँ पर आपको जो है ऑलमोस्ट 52 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, जो कि बहुत काबिले तारीफ है। एंड ओवरऑल यहाँ पर 6 गियर रहते हैं बाइक के अंदर, 2 एग्जॉस्ट सेटअप आपको देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर जो है लेटेस्ट BS6 Phase 2 कंप्लाइंट इंजन आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल ब्रांड न्यू वाला। ओवरऑल जो इस बाइक के अंदर आपको GT कॉन्टिनेंटल 650 ट्विन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। सिंगल सीट आती है, यहाँ पर आपको राइडर की स्पेस कुछ प्रकार से एंड साथ में पिलियन की स्पेस देखने को मिलेगी। एंड ओवरऑल डुअल शॉक सस्पेंशन सेटअप आते हैं विच आर एडजस्टेबल। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम बात करें रियर में, आपको वाइब्री कैलिपर्स देखने को मिलते हैं, डुअल चैनल ब्रेकिंग सिस्टम बाइक के अंदर आती है, स्पोक व्हील्स आते हैं, रियर टायर जो है वो आपको ट्यूब ही देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है रियर आपको टायर देखने को मिलता है, काफ़ी डिसेंट है। जो इसकी विड्थ है वो आपको काफ़ी डिसेंट देखने को मिलेगी इस बाइक के पावर के हिसाब से। एंड ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया आपको ओवरऑल देखने को मिलती है। साथ में डुअल एग्जॉस्ट सेटअप आता है बाइक के अंदर, तो एग्जॉस्ट नोट भी बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाऊंगा, लिटरली बहुत ही सूदिंग है।
बल्ब टेल लाइट, बल्ब इंडिकेटर्स आते हैं साथ में। यहाँ पर जो है आपको फुट पेग्स पे रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, एंड फुट पेग्स की पोजिशनिंग बहुत अच्छी है, हैंडल बार्स की पोजिशनिंग बहुत अच्छी है। ये प्रॉपर कैफे रेसर स्टाइल बाइक है। सो जो कैफे रेसर स्टाइल बाइक होती है उसमें थोड़ा सा आपको जो है आगे झुक के बाइक चलानी पड़ती है, एंड कम्फर्ट जो है बहुत ज़्यादा रहता है ऐसी बाइक्स के अंदर। सो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है ऑल न्यू रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन, एंड ये मेरी फेवरेट बाइक है पूरी रॉयल इनफील्ड की लाइनअप में अगर मैं बात करूँ। एंड ये वाला जो पेंट है ये सबसे प्रीमियम सबसे एक्सक्लूसिव कलर है, मिस्टर क्लीन इसे कहते हैं, एंड बहुत ही अल्टीमेट लुक देता है। साथ में यहाँ पर जो है आपको कम्फर्ट अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्यूल टैंक का एक काफ़ी अच्छा कलर है, इसमें काफ़ी सारे कलर आते हैं अलग अलग। इसमें एक एलॉय व्हील वाला वेरिएंट भी आता है, जो एलॉय व्हील वाला वेरिएंट आता है उसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आपको ट्यूब वाले टायर देखने को मिलते हैं। बाकी आप पेंट स्कीम देख सकते हो कितनी ज़्यादा, मतलब आप अपने आपको बहुत ईजिली देख सकते हो बिकॉज ये मिरर फिनिश पेंट स्कीम होती है। रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ देखने को मिल जाती है, एंड ओवरऑल कुछ इस प्रकार से राइडर एंगल रहता है जब बाइक चलाते हैं राइडर। अब बात कर लेते हैं EMI एंड डाउन पेमेंट के बारे में। तो देखो मिनिमम अगर आपको डाउन पेमेंट करनी है तो वो तो आप 45,000 रुपये भी कर सकते हो, बट एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि जनरली लोग क्या करते हैं। लोग जनरली करते हैं 20% की डाउन पेमेंट। तो अगर आप 20% की डाउन पेमेंट करते हो तो लगभग यहाँ पर जो ऑन रोड प्राइस है बाइक का जो ये है 430,000 रुपये, उसका मिनिमम डाउन पेमेंट आप जो करोगे 45,000 की जगह अब 20% जो कि हो जाता है 86,000 रुपीज़। 86,000 रुपीज़ का आप जो डाउन पेमेंट करते हो 20% का, उसके हिसाब से जो आपका लोन का अमाउंट बच के आता है वो आता है 344,000 रुपये, मतलब 344,000 रुपीज़। इसका अगर आप 5 साल के लिए लोन लेते हो, मतलब 344,000 रुपीज़ का अगर आप 5 साल के लिए लोन लेते हो 8% पर एनम फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपकी पर मंथ की EMI आएगी लगभग 8,026 रुपये, 8,026 रुपीज़ आपकी पर मंथ की EMI आएगी। अगर आप 5 ईयर्स का लोन लेते हो, मतलब 60 मंथ्स का लोन लेते हो 8% पर एनम फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, एंड यहाँ पर जो है आप लोन का अमाउंट जो आप ले रहे हो 344,000 रुपीज़ ले रहे हो। यहीं अगर हम लोन की अवधि, लोन का टेन्योर कम करके सिर्फ 4 ईयर्स मतलब 48 मंथ्स कर दें, तो आपकी जो पर मंथ की EMI आएगी लगभग 9,460 रुपीज़ आएगी, 9,460 रुपये आपको देने पड़ेंगे 4 साल तक। यहीं अगर मैं लोन का टेन्योर और कम कर दूं, मतलब 4 साल से सीधा यहाँ पर 3 साल कर दूं, 1 साल और कम कर दूं, मतलब अगर आपका 36 महीने का आप लोन ले रहे हो तो आपकी पर मंथ की EMI आएगी लगभग 11,848 रुपये, 11,848 रुपीज़ जो हैं आपको देने होंगे 3 साल तक अगर आप 344,000 रुपीज़ का लोन ले रहे हो, वो भी फ्लैट 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर EMI एंड डाउन पेमेंट का मैंने आपको हिसाब बताया। बट अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आपका यहाँ पर सैलरी अच्छी है, तो आपको और भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, और भी यहाँ पर जो है आप ज़्यादा टेन्योर के लिए लोन ले सकते हो बाइक के ऊपर। बाकी आप जो है अपने फाइनेंसिस के हिसाब से यहाँ पर जो है डिस्कशन कर सकते हो डाउन पेमेंट पे और यहाँ पर जो है EMI पर। सो कुछ इस प्रकार से आज की वीडियो थी। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करिएगा। ये बाइक कैसी लगी डू कमेंट डाउन बिलो, एंड यहाँ पर आपको कैसी लगती है रॉयल इनफील्ड की बाइक्स ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, एंड ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, टिल देन बाय बाय।